मेली किड्स टीवी। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। उस खरगोश का नाम मोंटी था और वो बहुत ज्यादा शरारती था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। आज काफी बोर हो रहा हूँ मैं, कुछ मस्ती करनी चाहिए। क्या करें, आइडिया, क्यों ना आज सबसे मजे लिए जाए। मोंटी उठता है और भागने लगता है। भागो भागो, शेर आ रहा है, भागो भागो, शेर आ रहा है। ये सब सुनकर सभी जानवर मोंटी की तरफ देखने लगते हैं और भागने लगते हैं। बिल्ली मौसी, भागो तुम भी, शेर आ रहा है। और डर कर बिल्ली भी जोर जोर से भागने लगती है। हिरन भाई, तुम भी भागो जल्दी से, शेर आ रहा है। आगे हिरन अपने बच्चों के साथ पानी पी रहा था। जब उसने देखा कि मोंटी सबको भागने को बोल रहा है, तो हिरन ने मोंटी से पूछा, अरे क्या हुआ भाई? अरे भाई, शेर आ रहा है, तुम भी भागो। और हिरन अपनी फैमिली को लेकर भागने लगता है। थोड़ा आगे बहुत सारी गायें घास खा रही होती हैं। जब उन सबको भागो भागो की आवाज आती है, तो सभी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अरे ये शोर कैसा है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भी। अचानक वहां पर उनको एक चूहा भागता हुआ दिखाई देता है। अरे रुको चूहे भाई, क्या हुआ है, जंगल में सब लोग क्यों भाग रहे हैं? अरे शेर आ रहा है, तुम भी भागो जल्दी से। और वो सभी गाय भी भागने लगती हैं। फिर सभी लोग एक बड़े से पेड़ के पास रुक जाते हैं और वो लोग वहां पर देखते हैं कि मोंटी जोर जोर से हंस रहा होता है। सभी जानवर हैरान परेशान होकर मोंटी को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्यों हंस रहा है। म्याऊ, म्याऊ। तुम यहाँ पर रुक क्यों गए हो और इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? सभी जानवरों को काफी गुस्सा आ रहा था कि मोंटी क्यों हंस रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैंने तो सबको पागल बना दिया। मतलब मैं बैठा हुआ बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ मस्ती करी जाए, और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया, और तुम सब लोग ऐसे भागे। यहाँ पर सभी जानवर काफी गुस्से में आ जाते हैं और फिर हाथी खरगोश की तरफ आता है और उसे मारने लगता है, और उसके पीछे बाकी जानवर भी आ जाते हैं खरगोश को मारने के लिए। सभी जानवर खरगोश को काफी मारते हैं। मुझे जाने दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। दोस्तों चलो बस करो, दोस्तों चलो बस करो, काफी है इसके लिए। ये अब से इससे कोई बात नहीं करेगा और ना ही इसकी कोई मदद करेगा। हाँ हाँ जाओ तुम सब, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, पड़े आए मेरी मदद करने के लिए। म्याऊ, म्याऊ। चलो दोस्तों हम चलते हैं, बोलने दो इसको।
फिर मोंटी अपने घर की ओर चला जाता है। मोंटी अपने घर की ओर चल देता है। काफी रात हो रही थी और इस वक्त जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। मोंटी अपने बेड पर सो रहा होता है और अचानक से मोंटी की नींद खुल जाती है। मोंटी देखता है कि उसके घर में काफी ज्यादा पानी आ गया है, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे यार, इतना सारा पानी कैसे आ गया मेरे घर में? मोंटी वेट करता है, शायद बारिश रुक जाएगी और पानी कम हो जाएगा, मगर बारिश और तेज हो जाती है और धीरे धीरे पानी और भरता जाता है और एक वक्त पर पानी उसके बेड तक भी आ जाता है। मुझे लगता है मुझे कहीं और चलना चाहिए, क्योंकि ये पानी तो काफी तेजी से घर में आ रहा है। मोंटी बाहर आकर देखता है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ जाए, और सबसे पहले वो बिल्ली मौसी के घर जाता है। मौसी, मौसी, दरवाजा खोलो जल्दी से। म्याऊ, म्याऊ, कौन, कौन हो तुम? मौसी, मैं मोंटी। बारिश काफी तेज थी तो बिल्ली मौसी को दिख नहीं रहा था कि बाहर कौन है। तू क्या करने आया है तू मेरे घर में? मेरे घर में पानी भर गया है, क्या मैं आपके घर पर रुक सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी यहाँ कोई मदद नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। मोंटी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मोंटी गाय के घर जाता है और दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता है। गाय चाची, मुझे घर में आने दो, बाहर काफी बारिश हो रही है। चलो जाओ तुम यहाँ से, कोई नहीं करेगा तुम्हारी मदद। मोंटी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मोंटी को काफी ठंड भी लग रही थी और वो कांप भी रहा था। सुबह होती है और जानवर पेड़ के पास खड़े होते हैं और मोंटी को देख रहे होते हैं। मोंटी मर चुका होता है। तो दोस्तों, हमें कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए और हमेशा सबकी मदद भी करनी चाहिए।